हेलो ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसे कंसेप्ट के बारे में जाना था, पार्ट वन और पार्ट टू। जो भी अगर एक्सरसाइज 7.4 का कंसेप्ट पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखे हैं तो आप पहले पार्ट वन पार्ट टू देख लें, उसमें सारी की सारी चीज़ें बतलाई हुई है। कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने डील किया था और सारे फॉर्मूले के बारे में समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग टू बी कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोगों का है वो 3x² / x^6+1 है, तो इसे हम लोगों को इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से जरा सा बनेगा। पुट करने से पहले इसे मेरे को करना क्या पड़ेगा, जैसे 3x² यहां पे है तो x^6 को मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, x³ और यहां पे स्क्वायर मैंने यहां पे रखा। अब आप यहां पे बोलोगे कि सर x³ का होल स्क्वायर आपने यहां पे क्यों लिखा है, कुछ देर रुक जाओ, आपको आंसर आपको खुद ब खुद भी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां पे जो स्क्वायर छोड़कर के जो पार्ट आया हुआ है x³, इसे आप t कंसीडर कर लो, t = x³। अब यहां सारा का सारा टर्म मैंने यहां पे t में मैं यहां पे कन्वर्ट में यहां पे करूंगा, और तो यहां जो dx का जो पार्ट है वहां भी आपका t आएगा, तो इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। dt/dx इतना हो जाएगा 3x², ओके, dt/3x² = dx। अब नाउ i = 3x² तो आपका रहेगा, और यहां पे जो x³ है इसके बदले में हम लोग कितना लिख देंगे, t लिखेंगे, t² + 1, और इस dx के बदले में कितना हम लोग लाएंगे, dt/3x². ये कैंसल आउट हो गया, 3 कैंसल आउट हो गया, फाइनली आपका कितना आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1+2, ठीक है। अब आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, बतलाया गया है ना ये फॉर्म, तो इसका जो सबसे जो सिंपल फॉर्म है वो यही है 1/1+x², तो टेन इनवर्स x सिंपल सा बात है, यही है, a है यहाँ पे, a यहाँ पे, यहाँ पे 1 है, तो क्या 1/1 लिखोगे क्या, नहीं ना, टेन इनवर्स x लिख दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स t + c, और t के बदले में कितना लिखोगे, कितना आपने लिखा था, x³ मैंने यहाँ लिखा। अब आपका सवाल ये था कि सर आपने इसका x³ का होल स्क्वायर आपने क्यों लिखा, क्योंकि मैं यहाँ पे जानता था अगर मैं इसे x³ में लिखूंगा तो ये जो पार्ट है 3x² ये कैंसल आउट हो जाएगा, और सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है कि t² + 1, मतलब यहाँ पे जितने भी आप फॉर्मूला पढ़े हो यहाँ पे आप देख सकते हो x² x² और x², मतलब हर जगह आपका x का स्क्वायर ही आपका आया हुआ है, तब जाकर के फॉर्मूला बना है, तो फॉर्मूला यहाँ पे आपका रिलेट कर गया तो ही आपका बना, समझ में आ रही है चीजें। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं, ये कैसे बनेगा, इसमें तो ये तो पहले वाला क्वेश्चन से भी ज्यादा सिंपल है, ये पहले से एक कांस्टेंट टर्म आया हुआ है और एक स्क्वायर का टर्म है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको थोड़ा सा और भी तरीके से जरा सा लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं 2x का क्या हम लोग होल स्क्वायर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। क्या अब हम लोग इसे कंपेयर कर सकते हैं, 1/√ में लिखा हुआ है, 1/√ में मतलब जब भी 1/ में लिखा जाता समझ जाओ कि छोटा वाला फॉर्मूला होने वाला है, तो ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखो दोनों पॉजिटिव है, तो कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स, आप एक्स लिखो और फिर ये वाला हिस्सा उठाकर पूरी तरीके से लिख दो। मुझे उम्मीद है आपको फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिए होगे, 2-3 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लो याद हो जाएगा, ठीक है। लॉग ऑफ एक्स, एक्स का टर्म कितना है, 2x है, और ये टर्म पूरा का पूरा उठा करके वापस लिख दो, तो 2x² अब अगर मैं आपसे बोलूंगा कुछ यहाँ गड़बड़ है क्या, आप बोलोगे कि पता नहीं सर, नहीं कह सकते हैं गड़बड़ है कि नहीं है, लेकिन कोई पकड़ लिए होंगे यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। x का कोफिशियंट कितना है, 2 है, तो ये 2 क्या होगा, यहाँ पे आपका डिवाइड में चला आएगा, तो 1/2, और इसे थोड़ा सा आप इस पूरे हिस्से को 1+4x² वापस लिख सकते हो +c, तो ये 2 कहाँ से डिवाइड में आया, ये इंटू में, यह आपका x का जो कोफिशियंट था 2 आपका डिवाइड में चला गया। मुझे उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जरा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 है, 1/√(2 − x² + 1, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, इसे तो ज्यादा कुछ करना ही नहीं है हमें, यहाँ पे एक आपका लिनियर वाला पार्ट दिया हुआ है, एक कांस्टेंट वाला पार्ट दिया हुआ है, देखिए लिनियर वाला पार्ट कांस्टेंट वाला पार्ट, अब हमें कंपेयर करना है कि कौन सा फॉर्मूला मैच करेगा,
तो यहाँ पे जरा सा देखो, ये एक्स का पार्ट पॉजिटिव है और ए का भी पार्ट पॉजिटिव है, दोनों दोनों पॉजिटिव है, रूट में है, ए का भी पार्ट पॉजिटिव और एक्स का भी पार्ट पॉजिटिव और वन बाय रूट में है, तो ये फॉर्मूला मैच कर रहा है। अब इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एक्स का पार्ट नेगेटिव है तो दोनों पार्ट पॉजिटिव है। अंदर ध्यान मत दो, बाहर ध्यान दो, ठीक है ना। यहाँ भी ये इसका भी कोफिशियंट पॉजिटिव और यहाँ वन का भी कोफिशियंट, यहाँ पॉजिटिव वन आ रहा है, ठीक है। तो क्या करोगे, फिर लोग ऑफ एक्स प्लस और फिर से हूबहू इसको उतार करके लिख दो। तो कितना है, हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स का पार्ट टू टू माइनस एक्स और प्लस, और हूबहू इसे वहां उतार करके लिख दे रहे हैं, टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन और प्लस सी। अब मैं अगर आपको बोलूंगा यहाँ कुछ मिस्टेक है क्या, आप बोलोगे हाँ सर इसका कोफिशियंट किसका, एक्स का कोफिशियंट, एक्स का कोफिशियंट कितना है माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन भी आपका आ जाएगा, माइनस वन लॉग ऑफ। तो जरा इसको हम लोग तरीके से जरा सा लिख लेते हैं, जैसे लॉग आपका आया टू माइनस एक्स, इसे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसे आप ब्रेक करके भी लिख सकते हो, चाहो तो आप इतना भी रहने दे सकते हो। अगर इसे आप ब्रेक करके लिखोगे तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस फोर एक्स हो जाएगा और प्लस टू का स्क्वायर होगा फोर और पहले से वन है, कितना हो जाएगा फाइव प्लस सी। अब इस माइनस को भी आप रहने देना चाहते हो तो आप रहने, तो आप यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप आंसर मिलाना चाहते हो कि नहीं मेरे को बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए जितना एनसीईआरटी का आंसर में दिया हुआ है, तब आप इसे पलट करके लिख दो। मतलब आप इसे लिख सकते हो वन बाय टू माइनस एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फाइव। अब आप बोलेंगे सर आपने ये क्या कर दिया, आपको ध्यान होगा अगर आप लगातार क्लासेस कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको ये फॉर्मूला बतलाया था, मतलब लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ ए बाय बी जो रहता है तो लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ कितना होता है बी, मतलब जो आपका डिवाइड में है वो माइनस में आ जाता है। लेकिन इसका मेरे को अभी इसका काम नहीं है, एक्चुअली में मेरे को इसका काम है, ए बाय बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ बी बाय ए, मतलब ये भी होता है लेकिन ये मैंने यहाँ यूज नहीं किया, मैंने यहाँ पे ये यूज किया लॉग ऑफ ए बाय बी। अगर आप न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में है, अगर आप डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर में लिख देते हो तो एक माइनस साइन बाहर आता है, तो यहाँ कुछ नहीं था तो नीचे तो वही था ना, मैंने इसे चेंज कर दिया तो एक माइनस साइन बाहर आया, तो पहले से माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, समझ में आ रही बातें, तो आप इतना ला करके रख सकते हो। अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग लिखते हैं फोर नंबर क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी बड़ा ईजी है, इसे आप थ्री का स्क्वायर लिख दो, नाइन को तो लिख ही सकते हो ना थ्री का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना लिख सकते हो माइनस फाइव और एक्स स्क्वायर, ये हमेशा आप इसको साथ में ही रख लेना, यहाँ पे जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको आपको एक्स के साथ ही आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप इसे कंपेयर करो, तो सबसे पहला चीज है कि वन बाय रूट में लिखा हुआ तो बिल्कुल छोटा सा आपका फॉर्मूला होगा, देखो छोटा सा है, साइन इनवर्स में जाएगा, ए का टर्म पॉजिटिव एक्स का टर्म नेगेटिव, तो यहाँ पे देखो ए का टर्म पॉजिटिव और एक्स का टर्म नेगेटिव देख रहे हो ना, तो कितना लिखते हो साइन इनवर्स एक्स बाय ए, एक्स बाय ए याद रखो साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स फाइव एक्स बाय ए थ्री प्लस सी। कुछ मिस्टेक है क्या, एक्स का कोफिशियंट कितना है फाइव, तो यहाँ पे फाइव आपका डिवाइड में जाएगा वन बाय फाइव साइन इनवर्स फाइव एक्स बाय थ्री आ गया, क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम लोग फाइव नंबर क्वेश्चन को जरा सा डील करते हैं, फाइव नंबर क्वेश्चन में क्या है सर नया देखते हैं। सबसे पहला चीज कि इसे हम लोग थोड़ा तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। वन प्लस टू जो है यहाँ पे जो एक्स का लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं इसे कर दे रहा हूं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस एक्स स्क्वायर के बदले में मैं पुट कर ले रहा हूं पुट टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ जब भी हम लोग फॉर्मूला बिठाए तो बस सिंपल एक्स स्क्वायर का टर्म रहा है, तो यहाँ अगर बड़ा पावर अगर आ जाता है तो आप इसे सब्सिट्यूट करके पहले लाएं, पहले टी का टर्म में पहले कन्वर्ट करें तभी फॉर्मूला को मैच करवाएं, तो यहाँ पे आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, कितना हो जाएगा टू एक्स आपका हो गया और डी टी बाय टू एक्स इक्वल्स टू यहाँ डी एक्स आपका हो गया ना आई इक्वल्स टू थ्री एक्स और वन प्लस टू और यहाँ पे इसके बदले में कितना रखे हो टी टी स्क्वायर आपका हो जाएगा डी टी बाय टू एक्स हो गया, ये एक्स एक्स कैंसल आउट थ्री बाय टू यहाँ से बाहर निकाल दीजिए थ्री बाय टू, और इसे थोड़ा सा यहाँ सलीके से लिख रहे हैं टू जो है इसे रूट टू इंटू टी का स्क्वायर कर दे रहे हैं, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे। अब इसे कंपेयर करिए, इससे कंपेयर करोगे वन बाय ए का भी टर्म यहाँ पॉजिटिव है और एक्स का भी टर्म पॉजिटिव है, मतलब एक्स मतलब टी का भी टर्म आपको पॉजिटिव है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा वन बाय ए
टेन इनवर्स एक्स बाई, या फिर अगर ए अगर वन रहता है तो डायरेक्ट याद रखो ना टेन इनवर्स एक्स याद रखो, अगर ए अगर वन रहता है तो आप डायरेक्ट याद रखो ए यहाँ पे वन है और प्लस में है तो टेन इनवर्स एक्स याद रखो, तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका थ्री बाय टू टेन इनवर्स एक्स, तो रूट टू और टी प्लस सी, और टी का कोफिशियंट रूट टू है तो रूट टू आपका डिवाइड में चला जाएगा, ये रूट टू कहां से डिवाइड में आया पता चला ना टी का कोफिशियंट, तो थ्री टू रूट टू टेन इनवर्स रूट टू और टी, टी के बदले में कितना आप लोग यहाँ पे हम लोगों ने रखा है एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स स्क्वायर यहाँ पे रख दो वापस प्लस सी, क्लियर है बन गया ना। ठीक है तो चलिए अब सिक्स नंबर क्वेश्चन को जरा सा डील करते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन में भी हमें क्या है यह माइनस है वन माइनस एक्स के पावर में सिक्स, इसमें भी क्या है सबसे पहले इसे थोड़ा सा तरीके से यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ आप कुछ भी रहेगा पावर एक्स के पावर में सिक्स या फोर रहेगा आपको तो स्क्वायर में ही आपको रखना पड़ेगा, तो यहाँ एक्स के पावर में क्यूब का क्या करोगे स्क्वायर करोगे। अब थोड़ा समझो इसे टी मानोगे तो यहाँ टी का स्क्वायर हो जाएगा मतलब फॉर्मूला में बैठ जाएगा। ठीक है तो इसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे टी इक्वल्स टू एक्स के पावर में क्यूब हम लोग करेंगे डी टी बाय डी एक्स। अगर ये सब भी क्वेश्चन देखोगे ना तो अभी तक से ये ट्रेलर ही है, अभी वो सब क्वेश्चन आए नहीं हो जिसमें आपका एग्जैक्टली आपका पूछता है, तभी पहले सारे के सारे फॉर्मूला को अच्छे से पहले जान लो बिठा लो, उसके बाद तो आने वाले टाइम में तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे कितना है यहाँ एक्स स्क्वायर है आपका और इस एक्स क्यू के बदले में कितना हम लोग रख देंगे टी, और इस डी एक्स को रिप्लेस करके कितना हो जाएगा डी टी बाय थ्री एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसल आउट कर दो वन बाय थ्री, अरे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर छूट गया ना तो वन बाय वन माइनस टी स्क्वायर। अब जरा सा कंपेयर करो तो कौन सा फॉर्मूला आपका जा रहा है वन बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर वन बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है कितना होता है यही ना है रूट रूट यहाँ कहीं नहीं लगा हुआ है। अब देख लो मैंने आपको पहले ही मैंने आपको सजेस्ट किया है फॉर्मूला अच्छे से याद रखो ठीक है ना वन बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो वन बाय टू ए, तो ए के प्लेस पे हम लोगों का क्या है इसे जरा सा ए के प्लेस पे हम लोगों का क्या है यहाँ पे वन है और x के प्लेस पे हम लोगों क्या है t है तो 1 बाय टू इंटू वन और log कितना हो जाएगा a प्लस एक्स तो 1 प्लस टी और 1 माइनस टी प्लस सी एनी प्रॉब्लम तो 1 बाय सिक्स हो जाएगा और log और 1 प्लस टी टी के बदले में आपने कितना जाना है यहाँ एक्स क्यू तो आप यहाँ पे एक्स क्यू यहाँ रख दें और 1 माइनस एक्स क्यू प्लस सी क्लियर है बन गया ना। ठीक है तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को डील करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका सेवन में जरा सा आते हैं तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस वन बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन का हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है तो इसमें पता है सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे इसे हम लोग जरा सा शेयर कर देते हैं जो रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन को है इसे एक्स के नीचे भी हम लोग रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन और इसे डी एक्स को भी इसमें अलग कर दो वन बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब बोलोगे सर इससे क्या बेनिफिट हुआ अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं बस मेरे को इसका इंटीग्रेशन मेरे को करना है। ठीक है तो एक काम हम लोग इसमें करते हैं कि इसे थोड़ा सा और भी क्लियर समझ में आए इसे हम लोग आई वन कंसिडर कर लेते हैं और इसे आई टू इसे कंसिडर कर लेते हैं इसे इक्वेशन वन और आई वन को अलग से सॉल्व करते हैं आई वन तो यहाँ पे कितना है एक्स बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन और डी एक्स। ओके क्लियर है अब यहाँ पे आप इसे पुट कर दो कितना हो जाएगा पुट टी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डी टी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा टू एक्स कॉन्स्टेंट का जीरो डी टी बाई टू एक्स और कितना डी एक्स। ठीक है अब नाउ आई इक्वल्स टू अगर यहाँ लेते हो तो यहाँ एक्स हो जाएगा और यहाँ टी क्योंकि इसके बदले में आपने टी यहाँ पे माना है और डी एक्स के बदले में कितना हो जाएगा डी टी बाई टू एक्स 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 कैंसल आउट यहाँ कितना हो जाएगा ये आई वन इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वन बाय टू और इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय रूट टी और वन बाय रूट टी का अगर आप डायरेक्ट अगर आप इंटीग्रेशन याद किए हो तो टू रूट टी होता है। आप एक काम करो ना याद कर लो ना कि इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय रूट एक्स का इंटीग्रेशन कितना टू रूट एक्स याद कर लो इजी पड़ेगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे वन बाय टू लिखोगे फिर उसे ऊपर ले जाओगे एक प्लस करोगे फिर उतना ही डिवाइड करोगे तो घुमा फिरा कितना ही आने वाला है आपका टाइम बचा देगा वन बाय रूट टी का कितना टू रूट टी। अब टी टी के बदले में कितना वापस रख दोगे एक्स स्क्वायर माइनस वन
तो एक्स स्क्वायर माइनस वन वापस रख दो। इसमें से एक पार्ट का हिस्सा हम लोगों ने ले आया है और I2 को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। I2 ये तो डायरेक्ट आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस वन का, एक्स स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन जरा सा ढूंढो, डायरेक्ट ये फॉर्मूला में है। देखो यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर, यहाँ पे वन है तो वन का स्क्वायर लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और आपका लिनियर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो आपका नेगेटिव में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट आपका नेगेटिव है और आपका एक्स आपका पॉजिटिव है और रूट में है। तो लॉग ऑफ एक्स, और बिल्कुल हूबहू इसे उतार करके लिख दो, कितना हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स, और इस पूरे टर्म को लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन को प्लस सी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अब ये दोनों वैल्यू को आप इक्वेशन वन में आप बिठा दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन वन आई इक्वल्स टू आई वन माइनस आई टू। आई वन का वैल्यू कितना है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, और आई टू का वैल्यू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस सी। क्लियर है, बन गया ना? चलिए अब हम लोग एट नंबर क्वेश्चन को जरा से देखते हैं। एट नंबर क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर एक्स का पावर में सिक्स और ए का पावर में सिक्स है। ओके, तो आपको मैंने बतलाया है कि यहाँ हमेशा आपका स्क्वायर रहना चाहिए, तो ये एक्स का पावर में सिक्स है, तो इसे किस तरीके से फॉर्म में लिखोगे कि यहाँ पे आपका जिसे यहाँ पे थे वो सब्स्टिट्यूट तो करना है ही है, लेकिन यहाँ पे एक्स का पावर में क्यूब और यहाँ स्क्वायर हम लोग लिखेंगे। या ए का पावर में सिक्स है तो आप ऐसे चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ये कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला, ए का पावर में सिक्स को आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। फिर भी आप चाहते हो कि यहाँ कॉन्स्टेंट का भी स्क्वायर होता है, तो आप ए का पावर में क्यूब ऑलरेडी आपका कॉन्स्टेंट है, फिर आप स्क्वायर लिख दें, घुमा फिरा तो सिक्स तो आ ही रहा है, लेकिन इसे खास तौर पर हमें चेंज करना पड़ेगा। टी कोस्ट, क्योंकि यहाँ लीनियर रहता है, क्या रहता है लीनियर, मतलब ये जो स्क्वायर छोड़ करके जो वैल्यू रहता है ये लीनियर रहना चाहिए, मतलब पावर ऑफ वन रहना चाहिए, तो इसे हमें हटाना पड़ेगा। तो ये टी में आएगा तो आपका पावर ऑफ वन लेकर के आ जाएगा, तो यहाँ क्यू डी टी बाय डी एक्स कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर डी टी बाय थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना डी एक्स। एनी प्रॉब्लम यहां तक? नहीं ना? ना। अब आई इक्वल टू यहां इसके बदले में कितना रखे हो, टी ना, तो टी का स्क्वायर आपका हो जाएगा, और ए का पावर में क्यू का आप स्क्वायर रहने दो, डी टी बाय थ्री एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहां से कैंसल आउट हो गया, वन बाय थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, और यहां इसे चाहो तो आप इसे पहले लिख सकते हो, आपकी मर्जी, कॉन्स्टेंट को आप पहले लिखने का मान्यता पहले लिख दो, प्लस में है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। और डी, अब आप इसे कंपेयर करो, एक तो रूट में है डिवाइड में है, तो ओब्वियसली छोटा वाला, अभी देखिए जितना फॉर्मूला यूज हो रहा है सब छोटा वाला ही फॉर्मूला आपका यूज हो रहा है, चिंता मत करिए। और यहाँ पे ये आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो लॉग ऑफ एक्स, और फिर ये हिस्सा उठा करके यहाँ पे रख दो, तो मैं भी यहाँ पे सेम ऐसा ही काम करूंगा, लॉग ऑफ एक्स के प्लेस पे टी है और ये हिस्सा उठा के मैं यहाँ रख दूंगा, तो ए का पावर में क्यूब का यहाँ स्क्वायर प्लस टी का स्क्वायर प्लस सी। इसे थोड़ा सा तरीके से लिख देते हैं, टी टी के बदले में हम लोग कितना जानते हैं एक्स का पावर में क्यूब, तो एक्स का पावर में यहाँ क्यूब हो जाएगा, यहाँ सिक्स हो जाएगा ए का पावर में सिक्स, और यहाँ क्यूब रखोगे एक्स का पावर में क्यूब स्क्वायर है, तो एक्स का पावर में सिक्स वापस आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आ रही है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नाइन को जरा सा डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या है, यहां भी सेम प्रोसेस चलेगा, यहां भी आपका सब्स्टिट्यूशन ही मेथड से आपका बनेगा। तो यहां पे बिल्कुल फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 10x को हम यहां पे पुट करेंगे, तो dt बाय कितना हो जाएगा dx, 10 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, dt बाय sec स्क्वायर x और dx। एनी प्रॉब्लम यहां तक? नहीं ना? नाउ आई, आप खुद से भी थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए कि कैसे बन रहा है नहीं बन रहा है। ये सब क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। क्या 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, मेरी मर्जी, क्योंकि आपको अगर आपको फॉर्म में अगर लाना है तो आप डायरेक्टली अगर लगता है कि फॉर्म में रख करके आप फॉर्मूला यूज करोगे तो अच्छी बात है। dt बाय sec स्क्वायर x, ये dx के बदले में मैंने रखा है, ठीक है, ये sec स्क्वायर x कैंसिल आउट हो गया, कितना आपका बचा t स्क्वायर, आप पहले काम करो ना 2 को पहले लिख दो, 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर और dt। अब यहां से फिर से वही फॉर्मूला लॉग वाला ही जाएगा, लॉग वाला फॉर्मूला कुछ ज्यादा यूज हो रहा है, लॉग x और फिर ये वाला पार्ट लिख दो, तो कितना हो जाएगा लॉग t, और बिल्कुल ये पार्ट उठा करके रख दो, 2 का स्क्वायर प्लस t का स्क्वायर प्लस c, और t t के बदले में आपने कितना रखा था 10x ना, तो 10x वापस रिप्लेस कर दो 10x, और यहाँ पे 4 प्लस 10 का पावर में 4x आपका हो जाएगा, क्योंकि सॉरी 4 नहीं होगा स्क्वायर ही आपका होगा, क्योंकि 10 के बदले में तो t के बदले में तो ओनली 10x है ना, तो यहाँ स्क्वायर है तो 10 स्क्वायर x आपका आ गया।
क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप यहाँ पे नजर डालोगे तो अब थोड़ा तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इसी टाइप में क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ये सब तो छोटा मोटा क्वेश्चन था जो डायरेक्ट थोड़ा मोटा चेंज कर रहे थे तो बन जा रहा था, फिर भी प्रैक्टिस करिए आप उस सब क्वेश्चन को अभी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को जरा सा बनाते हैं। याद है इसे एक कंसेप्ट पार्ट 2 में हम लोगों ने बनाया था कि कैसे इसे बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक है, लेकिन जो x का पावर में जो 2 है लेकिन अपने आप को लीनियर भी लेकर के आ गया है, तो x का पावर में 1 भी है। इसे हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब कुछ इस तरीके का फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे यहाँ माइनस रहे चाहे प्लस रहे, चाहे x नेगेटिव रहे या x पॉजिटिव रहे। तो अगर आपको जिनको ये सब बातें ये समझ में नहीं आ रही मैं क्या बातें कर रहा हूँ, तो आप इसका 7.4 का कंसेप्ट पार्ट 2 आप देख सकते हैं, उसमें इस टाइप में क्वेश्चन बतलाया गया है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसे बनाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशियंट 1 है, ये बिल्कुल ठीक है, इसे रहने दो। यहाँ पे हमें 2 चाहिए, तो 2 तो दिया हुआ है ना, तो 2 आप रख लो और एक्स आप रहने। तो आप बोलोगे सर 2 तो आप रख लिए, तो यहाँ बी किसे मानेंगे, 1 को मानेंगे, आखिर 1 तो यहाँ मल्टीप्लाई में ले ही सकते हैं ना, प्लस 2। अब आप समझो कि 2 छोड़ करके 2 पार्ट रहता है जिसे हम लोग ए बी मानते हैं। मैंने बताया था ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। 2 छोड़ करके 2 हिस्सा रहता है, एक ए बी उसी का स्क्वायर होता है और बी का यहाँ स्क्वायर होता है, तब जाकर के ए प्लस बी का आपका होल स्क्वायर में आपका कन्वर्ट होता है। तो 2 छोड़ करके 2 पार्ट आया हुआ है, एक एक्स, एक्स का स्क्वायर तो दिया हुआ है, तो अब हमें 1 का स्क्वायर चाहिए, तो 1 का स्क्वायर हम लोग एड करेंगे और 1 का स्क्वायर हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर एड किए, मैं मानता हूँ 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 1 तो एक 1 मैंने एड किया, मतलब 1 का स्क्वायर मैंने एड किया और एक 1 का स्क्वायर मैंने माइनस किया। अब यहां से लेकर के यहां तक का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये a है ये b है, यहीं से ना देख के लिखते हुए ए बी, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और 2 में से 1 चला जाएगा तो 1, तो मैं 1 का स्क्वायर में यहाँ पे लिख सकता हूँ, क्लियर है ना यहाँ तक। तो यहाँ पे मैंने a प्लस बी का मैंने होल स्क्वायर मैंने कन्वर्ट किया, कुछ इस टाइप में फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। अब बिल्कुल इस फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म का हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए ये x का टर्म है और ये a का टर्म है, स्क्वायर छोड़ करके अंदर जो x का वैल्यू वो लिनियर में है और ये कॉन्स्टेंट है पूरी तरीके से। अब इसे आप कंपेयर करिए, 1 में है रूट में है और दोनों टर्म पॉजिटिव में है, 1 में है 1 बाय और आपका रूट में है और आपका ये आपका डिनोमिनेटर में है और दोनों पॉजिटिव है, तो लॉग ऑफ एक्स एक्स लिखो और पूरा इस हिस्से को उठा करके रख दो, तो कितना हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स, तो एक्स प्लस 1 और इस हिस्से को पूरा उठा करके यहां रख दो, तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब आप चाहो तो यहां पे इसे जो आप इसी को ना कन्वर्ट करके, मतलब इसी को ना कन्वर्ट करके आप इतना यहाँ पे लाए हैं इसी फॉर्म को ना, तो इसके बदले में क्या हम लोग इतना पूरा नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 बन गया, क्लियर है। अब हम लोग इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे, ओके।